देश के 5 राज्यों में तेलंगाना की वोटिंग के साथ ही विधानसभा चुनाव का एक दौर पूरा हुआ। अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही 1 दिसंबर से LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर हुई है और इसके रेट में 21 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2023 से राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए 1796.50 रुपए चुकाने होंगे, जबकि इससे पहले पिछले महीने LPG गैस के दाम 1775.50 रुपए प्रति सिलेंडर थे। सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया गया है। आम रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को ना तो राहत मिली है और ना ही कोई बदलाव इनके गैस सिलेंडर के रेट पर किया गया है। आइए आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में LPG सिलेंडर के दाम शुक्रवार से किस तरह वसूले जाएंगे। दिल्ली में 1796.50 रुपए, कोलकाता में 1908 रुपए, मुंबई शहर में 1749 रुपए और चेन्नई में 1968.50 रुपए। गौरतलब है कि पिछले महीने की पहली तारीख यानी 1 नवंबर को भी LPG सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया था। LPG की ये दाम 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़े थे। 1 नवंबर को देश में करवा चौथ का त्यौहार मनाया गया था और इस त्यौहारी दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा था। 1 अक्टूबर को LPG सिलेंडर की कीमत 1731.50 रुपए पर थी, जबकि 1 नवंबर को इसके रेट 101.50 रुपए महंगे हो गए थे और ये 1833 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया था। इसके बाद 16 नवंबर को कमर्शियल गैस के दाम कम हुए थे और ये 57.05 रुपए सस्ता होकर 1775.50 रुपए पर आ गया था। उस दौरान MP, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में वोटिंग होना बाकी थी। इधर जैसे ही 5 राज्यों में वोटिंग का क्रम पूरा हुआ, कुछ ही घंटों में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगा होने का असर खाने पीने की इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट कारोबार पर ज्यादा दिखेगा। आम जनता के लिए बाहर खाना पीना और महंगा होने वाला है और उनकी आउटिंग पर होने वाला बजट महंगा हो जाएगा। वैसे भी खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, ऐसे में इनमें और बढ़ोतरी लोगों की कमर तोड़ेगी।